इधर अलवर के बहरोड से खबर है, आमजन के लिए खुला रहने वाला थाने का गेट आज बंद है। पुलिस का बयान, कोरोना को लेकर ये गेट बंद किया गया है ताकि पुलिस थाने में अंदर नहीं आए कोई फालतू आदमी, जबकि पीड़ित व्यक्ति ही आता है अपनी पीड़ा लेकर थाने। छोटे गेट पर संतरी से परमिशन लेकर पीड़ित अंदर जा रहे हैं। क्या थाने का गेट बंद करने से अंदर नहीं जाएगा कोरोना? आज पुलिस थाने के बंद गेट आमजन के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो अलवर के बहरोड से अहम खबर है, आमजन के लिए खुला रहने वाला थाने का ये गेट आज बंद नजर आ रहा है। पुलिस का इसे लेकर बयान है कि कोरोना को लेकर ये गेट बंद किया गया है ताकि पुलिस थाने में अंदर कोई फालतू आदमी ना आए, जबकि पीड़ित व्यक्ति ही अपनी पीड़ा लेकर थाने पहुंचता है। इसके अलावा कौन जाना चाहेगा थाने, लेकिन छोटे गेट पर संतरी से परमिशन लेकर पीड़ित अंदर जा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या थाने का गेट बंद करने से अंदर कोरोना नहीं जाएगा? आज पुलिस थाने के बंद गेट आमजन के लिए कौतूहल बने हुए हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये गेट बंद किया गया है, ये पुलिस का कहना है। कहना ये कि कोई भी फालतू आदमी थाने के अंदर ना आए, इस एहतियात के तौर पर हमने ये गेट बंद किया है। लेकिन सवाल ये कि थाने के अंदर तो कोई वही पीड़ित व्यक्ति ही जाएगा अपनी समस्या लेकर। छोटे गेट पर संतरी से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद ही अंदर एंट्री मिल रही है। क्या थाने के अंदर कोरोना नहीं जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। आमजन के लिए खुला रहने वाला थाने का ये गेट आज बंद है और इसी को लेकर आमजन में भी कौतूहल है कि आखिर ये गेट आज बंद क्यों रखा गया है। जब सवाल इस पर किया गया तो कहना यही कि कोई भी फालतू व्यक्ति अंदर ना आए, एहतियात के तौर पर हमने गेट बंद किया है। संतरी से पहले परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। तर्क यही कि पुलिस थाने के अंदर कोई फालतू व्यक्ति ना जाए और इसलिए हमने गेट बंद रखा हुआ है। आमजन के लिए ये गेट हमेशा खुला रहता है, लेकिन आज ये गेट बंद नजर आ रहा है। छोटे गेट से संतरी से परमिशन लेकर ही पीड़ित अंदर जा रहे हैं। फिर सवाल ये कि क्या थाने का गेट बंद करने से कोरोना अंदर नहीं जाएगा? और चलिए यहां से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बयान पुलिस क्या दे रही है? कहना ये कि फालतू कोई व्यक्ति अंदर न जाए इसलिए गेट बंद किया गया। क्या पहले कभी थाने का ये गेट बंद था? जितेंद्र आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जितेंद्र, क्या पहले कभी थाने का ये गेट बंद था? क्योंकि तर्क तो यही दिया जा रहा है कोई फालतू व्यक्ति अंदर ना आए, कोरोना के मद्देनजर ही ऐसा किया गया। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो थानाधिकारी है विनोद सांखला, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे पहले भी एक बार थाने का गेट कुछ देर के लिए बंद किया गया था, लेकिन आज सुबह से ही पुलिस थाने का जो गेट है वो लगातार बंद चल रहा है। संतरी है वो अंदर बैठा हुआ है, छोटा गेट से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जब संतरी से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो कोरोना चल रहा है, कोरोना को लेकर कोई लोग फालतू अंदर नहीं आए, इसलिए मेन गेट को बंद किया गया है। सबसे बड़ी बात और भी है कि जो पीड़ित है लोग जो पुलिस से सहायता लेने के लिए आएंगे वही आएंगे, फालतू लोग कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब से ये थाने का गेट बंद हुआ है तब से आमजन में और लोगों में भी एक चर्चा बनी हुई है कि आमजन के लिए, पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पुलिस का जो गेट हमेशा खुला रहना चाहिए वो आज बंद क्यों है। मैंने खुद ने थाना अधिकारी विनोद सांखला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस थाने का मेन गेट बंद करने से क्या कोरोना अंदर नहीं जाएगा? क्या पुलिसकर्मी बाहर आ रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव नहीं होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब मिला क्या इसे लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये बात हुई हमारे संतरी से हुई है। मैं आपको फिर बता रहा हूं दोबारा कि जो विनोद सांखला है थाना अधिकारी बहरोड, उनसे हमने बात करने का कोशिश की थी, प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। संभवतः उन्हें लगा होगा कि ये जो गेट बंद है इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है तो वो जवाब क्या देंगे, शायद इस वजह से ही बात नहीं की उन्होंने। जितेंद्र का बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो बहरोड की ये तस्वीरें जहां थाने के गेट आज आमजन के लिए बंद है।